अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आज मैं आप लोगों के साथ करूँगी बारात का ब्लॉग शेयर। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको अपना छोटा सा क्लिप दिखा दिया है कि रेडी जो है वो मैं हो गई हूँ बारात पे जाने के लिए। तो बारात जो है आज दोपहर की है, दोपहर का जो टाइमिंग होती है 1 से 4 बजे की। तो आज हम थोड़ा लेट भी हो गए थे क्योंकि सुबह मॉर्निंग में हम जल्दी उठे भी हैं, जितनी कोशिश की है जल्दी निकलने की तो उतना ही हम लेट हो गए हैं। तो आगे हमने वेलकम भी करना था, उसलिए हम थोड़ा जल्दी निकले हैं। बाकी सब तो चले गए हुए थे, लेकिन थोड़ा मैं और मेरी कज़न जो है वो हम एंड पे रह गए थे। तो हम जब गए हैं तो बारात आ गई हुई थी, फिर हम जल्दी से हम जाके हम उधर एंटर हो गए वेलकम करने के लिए। तो आगे आप व्लॉग बहुत इंजॉय करेंगे। मैं आपको वेलकम की क्लिप्स और रास्ता रखवाई, दूध पिलाई वगैरह जो छोटी छोटी रस्में होती हैं मैं आप लोगों के साथ सारी शेयर करूँगी। आपने व्लॉग को पूरा देखना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। आप इंशाल्लाह बहुत इंजॉय करेंगे। बारात हमारी आ गई हुई है, तो सब बाहर फ़ोटोशूट हो रहा था क्योंकि धूप था, सब ग्लासेस लगा लगा कर फ़ोटोशूट करवा रहे थे। और साथ में फिर थोड़ा बैंड भी बच गया, सब ने इंजॉय कर लिया। तो जी आप भी थोड़ा सा बैंड को इंजॉय कर लें। इसके बाद जी हम करेंगे बारात का वेलकम। तो बारात के वेलकम करने के लिए ये फ्लावर जो हमने प्लेट्स में डाल लिए हुए हैं, पहले रास्ता रखवाई होगी और उसके बाद हम फूल फेंक के उनका वेलकम करेंगे। तो रास्ता रखवाई जो थी ब्राइडल की भाभी जो है उन्होंने की है रास्ता रखवाई, और ये भी एक रस्म होती है रास्ता रखवाई की। और उसके बाद फिर फूल फेंक के उनका वेलकम करेंगे। तो जी आप साथ साथ आप देखते रहें। और ये देखें हाशिर ने भी फूलों वाली प्लेट पकड़ी हुई है। तो जी रास्ता रखवाई हो गई है, उनका वेलकम भी हो गया। अब सारे मैरिज हॉल में जा रहे हैं, एंट्री इनकी हो रही है हॉल में, और साथ साथ में वीडियोस बन रही थी, साथ साथ में पिक्चर्स और सारा जो है वो हो रहा था। अब सब अपनी अपनी जगहों पर बैठेंगे और फिर थोड़ा रश कम होगा, फिर मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करती हूँ। तो जी अब सब अपनी अपनी जगहों पर बैठने हैं। अब इसके बाद होगी ब्राइडल की एंट्री, क्योंकि निकाह जो वो पहले हो गया हुआ था, 1 साल पहले जो है ना पहले निकाह हुआ हुआ था, अब जो है सिर्फ रुखसती होगी। तो अब ब्राइडल की एंट्री आप लोग देख लें।
तो जी फिर ब्राइडल की एंट्री के बाद खाएंगे सब खाना। तो खाने में था रशियन सैलेड थी, साथ में था चिकन कौरमा था, और साथ में कोल्ड ड्रिंक्स थी, और साथ में था बिरयानी थी, स्टीम रोस्ट था, और नान थे, और मीठे में फिरनी थी। तो अब मैं भी खाने लगी हूँ खाना। तो आप लोग सोचते होंगे कि बस खुद को दिखाई जा रही है, तो मैं किसी को भी बगैर इजाज़त के ब्लॉग में नहीं लेके आती। हर इंसान की अपनी अपनी प्राइवेसी होती है, और मैं किसी की भी प्राइवेसी को नहीं ख़राब करती। तो जी अब मैं खाना खाने लगी हूँ। ये मैंने अपनी प्लेट बना ली है, और थोड़ा सा मतलब एक नान का पीस ले लिया, और साथ में थोड़ा चिकन, साथ में राइस ही लूँगी। और उसके बाद फिर हमने अपना थोड़ा फ़ोटोशूट वगैरह किया। सूरज की रोशनी में इतनी अच्छी पिक्चर्स आती हैं ना, तो ये मैं आपको अपनी फुल लुक भी आप मेरी देख लें। मेहंदी पे मैं बहुत ज़्यादा डार्क रेडी हो गई थी, तो बारात पे भी मैं थोड़ा लाइट रेडी हुई थी। तो ये जी नन्ही परी आयत फातिमा जो है वो अपने बाबा के साथ खेल रही है। जैसा कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि ये हमारे रिलेटिव भी हैं, और साथ में ये हमारे गेस्ट भी हैं, और ये मेरी सब्सक्राइबर भी हैं। तो उसके बाद जी होगी दूध पिलाई, तो दूध पिलाई की रस्म करेंगी जज़ा एंड अरीबा, और साथ में जो हमारी दुल्हन है उनकी फ्रेंड जो है, ये तीनों ने मिलके दूध पिलाई की थी, क्योंकि अभी बाकी सब बच्चे जो हैं अभी छोटे हैं, तो यही बड़ी थी। इन्होंने मिलके दूध पिलाई की, और उसके बाद फिर आता है वक्त रुखसती का। तो रुखसती फिर हुई, थोड़ा इमोशनल सारे हुए। तो फिर जी ये था मेरा आज का ब्लॉग। होपफुली आपको मज़ा आया होगा, मज़ा आया या अच्छा लगा, या अच्छा नहीं भी लगा, फिर भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।